हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री की। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो हमारे करेंट स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपके लिए क्या हुआ कि आपके लिए एक फेसबुक पर पेज आपके लिए बना दिया, चूँकि इस पर बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर आप फेसबुक पर पेज बना देंगे, क्योंकि उस पर क्या है फेसबुक मैक्सिमम स्टूडेंट यूज करते हैं। तो हमने फेसबुक पर अपना पेज बना दिया है। आपको जाकर फेसबुक पर जैसे आप नेम्स अपने दोस्तों का सर्च करके अपना उनको फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको करंट स्टडी ऊपर सर्च करना है, ठीक है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, उसी प्रकार आप ऊपर करंट स्टडी आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे ऊपर हमारे चैनल का नाम आ जाएगा, और ठीक उसी प्रकार आपका जैसे हमारा चैनल का लोगो है ठीक यूट्यूब पर, ठीक उसी प्रकार आपको फेसबुक पर मिलेगा। उसको आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमने लिंक दे दिया है, दोस्तों वहां से आप जैसे ही टच करेंगे आप डायरेक्ट फेसबुक पर पहुंचकर आप अब उस पे दोस्तों आपको उसको जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वहां पे क्या हमने फेसबुक पेज बनाया है तो आपको सभी वीडियो वहां मिल जाएगी, चूंकि इस पर क्या था कि और दूसरी बात दोस्तों, आपको अगर टेलीग्राम आप यूज करते हैं या टेलीग्राम यूज करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या दोस्तों आपको टेलीग्राम पर अपने ऐप पर जाना है और सर्च करना है करंट स्टडी, आपको सर्च करना है। बस इतना ध्यान देना है जो करंट और स्टडी है उसके बीच स्पेस जो है बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे ही करंट लिखेंगे जस्ट उसके बाद आप CURRENT लिखेंगे, STUDY लिखेंगे, मतलब स्पेस नहीं रखना है दोनों के बीच। और आपको सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहां फिर आपको बहुत ही सुविधाजनक से वीडियो मिल जाएगी। तो आप दोस्तों सभी जगह से ज्वाइन रहेंगे तो आपको सभी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको आप देख लीजिए। हम ईंधन के चैप्टर से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, कोल गैस। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बम कैलोरी मीटर जो होता है वो, और आपका दोस्तों मैंने मतलब डिटेल में उस वीडियो में बताया है, तो आपको अगर देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होकर देख सकते हैं, या फेसबुक पर ज्वाइन होकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सभी जगह सुविधाजनक बना दिया दोस्तों, आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पर आप जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर देखिए। आइए दोस्तों हम कोल गैस की बात करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दें, डेली शाम को 6 से 7 के बीच आपको इवनिंग में वीडियो मिलता है केमिस्ट्री का, और डेली 7 से 8 के बीच मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच आपको वीडियो मिलता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। आने वाले में दोस्तों आपको अप्लाइड जो आपका फिजिक्स है वो भी मिल रहा है, ठीक है। एक दो वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही है, आपको लगातार मिलेगी वीडियो आने वाले समय में। और साथ में दोस्तों आपका ईडी का और कम्युनिकेशन स्किल्स का भी आएगा, क्योंकि इस पर कमेंट बहुत हैं, ठीक है। तो कोल गैस की बात करें तो कोल गैस किसे कहते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे निर्माण होता, आइए देखते हैं दोस्तों। कोल गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मेथेन एथिलीन एसिटिलीन आदि का मिश्रण है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कितने परसेंटेज क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चूंकि आपको अगर कोल गैस पूछता है तो आपको उसका ऊपर लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, कोल गैस। और जितने भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसी को लेकर आपके लिए अपलोड किए। तो आपको वैसे तो बहुत कुछ टॉपिक्स में है, लेकिन जो पेपर्स में आने की संभावना जिनकी रहती है मैं उन्हीं को आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। तो कोल गैस दोस्तों हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 मतलब मीथेन एसिटिलीन और आपका एथिलीन आदि का मिश्रण है दोस्तों। ये क्या होता है, यह कोयले के भंजक आसवन से बनाई जाती है, ठीक है। ये कोयले के भंजक आसवन से बनाई जाती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपके इस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, भंजक आसवन द्वारा, कोयले के भंजक आसवन से बनाई जाती है कोल गैस। कोल गैस में दोस्तों H2 जो होता है आपका हाइड्रोजन 45% होता है, CH4 अर्थात आपका दोस्तों मेथेन जो होता है वो 35% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 8%, CO2 होता है 6%, N2 होता है 2%, और अन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके 4% होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ परसेंटेज। आइए इसके निर्माण की बात करते हैं, उसके बाद हम आपको इसको फिगर को देखकर बताएंगे कि इस कैसे क्या प्रोसेस है, कितनी आपको कहां से क्या उनकी गैसेस बन रही है, उसमें कितने आपके मतलब स्तंभ कितने लगाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, कोल गैस का निर्माण कैसे होता है। एक लोहे के रिटार्ट में कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके, ठीक है, जब आप वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, भंजक आसवन करते हैं। भंजक आसवन वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। तो आपका क्या हुआ है दोस्तों, एक रिटार्ट मतलब एक बर्तन टाइप लिया गया, उसमें क्या किया गया दोस्तों, लोहे के एक रिटार्ट में, लोहे के एक बर्तन टाइप में लिया गया। रिटार्ट में हम आपको बताने वाले हैं रिटार्ट आपका कैसे, यहां देख लीजिए आप,
ये रिटार्ट आपका यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दिया ये आपका हुआ रिटार्ट, ठीक है, ये आपका रिटार्ट हुआ, इसे रिटार्ट में लेकर किया जा रहा है, ठीक है। आइए देख लीजिए पहले क्या बात हो रही है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कह रहा है दोस्तों कि एक लोहे के रिटार्ट में कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके भंजक आसवन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, प्राप्त गैसों को संघनित्र में भेजकर कंडेंसर में क्या करता है, जब आपकी गैसों होगी उसको ठंडा करने के लिए हम संघनित्र में भेजकर ठंडा करते हैं। प्राप्त गैस में उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां द्रवित हो जाती हैं। जब आप संघनित्र में भेजते हैं तो क्या होता है, वहां ठंडा करते हैं तो प्राप्त जो गैस में उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां हैं वो द्रवित हो जाती हैं तथा तारकोल तथा अमोनियामय द्रव के रूप में एकत्र हो जाते हैं, तथा तारकोल और अमोनियामय द्रव के रूप में एकत्र हो जाती हैं जो आपकी अवाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों, शेष बची गैसों को कोक से भरी टावर, अर्थात कोयले से भरी, कोक से भरी क्या टावर में भेजते हैं, जो आपकी शेष बची गैसें हैं, ठीक है, शुद्ध करने के बाद शेष बची गैसें हैं उनको कोक से भरी टावर में भेजते हैं और ऊपर से गिरते पानी के द्वारा जल में विलेय गैसों के रूप में अमोनिया आपका NH3 CO2 H2S और SCN आदि घुलकर दूर हो जाती हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, कोल गैस से भरी हुई टावर भेजते हैं, जहां ऊपर से क्या वाटर गिरता रहता है, वह ऊपर से जल गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, उसमें क्या होता है जो आपकी गैसें होती हैं उसमें जो उपस्थित होती हैं अमोनिया CO2 H2S SCN ये आदि घुलकर क्या दूर हो जाती हैं उसमें घुलकर, ठीक है। आगे दोस्तों है क्या, टावर में निकलने वाली गैसों में शोधन कक्ष प्रवाहित होता है। मतलब क्या कह रहे हैं दोस्तों, टावर जो है आपका, टावर से निकलने वाली गैसों को शोधन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर रखें। अब देखिए, जो आपकी गैस जो बची इस, ये सब तो आपका वाटर जब इसमें आप डाल रहे थे तो आपको हम आगे बताने वाले हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो वाटर जब आप गिराएंगे तो उसमें से अमोनिया CO2 और H2S SCN ये तो दूर हो जाएगी, फिर उसको क्या करते हैं हम एक पानी, उसको टावर को ऐसे, टावर से निकलने वाली गैस को शोधन कक्ष में, हाँ प्यूरीफायर, आपको क्या कहते हैं प्यूरीफायर कक्ष में जब ले जाते हैं दोस्तों प्यूरिफिकेशन में, तो क्या होता है शोधन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर रखे वहाँ पर आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH का होल ट्वाइस और आपका Fe2CO3 शेष बची हुई H2S CH2 SCN। मतलब तो पहले तो ये प्यूरीफायर हो ही गया यहाँ पर, लेकिन इसमें से देखा गया कि हो सकता है कि कुछ इसकी अशुद्धियाँ बची हो, तो उसको हम फिर से आपको शोधन कक्ष से गुजारते हैं, तो उसमें शेष बची क्या दोस्तों यहाँ पर उपस्थित होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Fe2CO3, शेष बची हुई क्या करता है ये शेष H2S CH2 और SCN की आध की अशुद्धि को क्या करता है, आध की अशुद्धि को अपने में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब गैस को सिट्रियर में भेजकर गैस की धुलाई तेल से करते हैं, जिससे गैस में उपस्थित बेंजीन और नेप्थलीन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों गैस को बिल्कुल प्योर करना है, इसलिए ये सब प्रोसेस अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो गैस को क्या होता है कि उसमें उपस्थित बेंजीन और नेप्थलीन की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और प्राप्त शोधित गैस को टैंक में जल के ऊपर एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम फिगर से आपको बताते हैं कि जो बना हुआ है, देखिए जैसा यहाँ देख रहे हैं इसमें कोल गैस है, ठीक है, इसमें कोल आपने इसमें डाला दोस्तों, तो ये कोल क्या हुआ, इसमें रिटार्ट में रखा हुआ है। अब ये रिटार्ट की सहायता से क्या, यहां हमने बताया कि यहां भंजक आसवन क्रिया होती है, देखिए यहां भंजक आसवन क्रिया होती है, चूंकि यहां फर्नेस लगा है तो यहां पर वायु की अनुपस्थिति में, चूंकि देखिए ये पूरा क्लोज है, ठीक है, एयर यहां पर नहीं है, तो यहां वायु की अनुपस्थिति में भंजन क्रिया कराई जाती है, तो इसमें से क्या होता है गैस इसमें से क्या दोस्तों यहाँ से जलता है, तो आपका ये फिर कंडेंसर में लाया जाता है। जब रिटार्ट से कंडेंसर में लाया जाता है तो यहाँ पर क्या होती है, रिटार्ट से कंडेंसर में जो आपकी गैसों में अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। फिर उसके जस्ट बाद आप इसको भेजते हैं दोस्तों वाटर के, मतलब हमने आपको बताया, फिर इसको हम ऐसे टावर में भेजते हैं जहाँ पर वाटर ऊपर से गिरता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर कोक होता है, पहले से कोक भरा हुआ होता है उस टावर में और ऊपर से जल गिराया जाता है, तो यहाँ भी आपकी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। फिर उसको दोस्तों हम प्यूरीफायर में ले जाते हैं, जहाँ प्यूरीफायर में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Fe2O3 होता है, ठीक है। तो इस प्यूरीफायर में ले जाया जाता है, तो यहाँ पर भी आपकी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। उसमें कौन सी अशुद्धि दूर होती है, यहाँ पर हमने बताया पहले आपका ये अशुद्धि दूर होगी NH3 CO2 H2S SCN आदि घुलकर, वो वाटर वाले में जो इसमें कोल गैस भरा ऊपर उससे दूर होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर से हम प्यूरीफायर कक्ष में जो आपका शोधन कक्ष उसमें ले जाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Fe2O3 उपस्थित होता है, वो आपका H2S और CH2 SCN जो बच जाती है उसमें अशुद्धि उसको क्या करती है, दूर करती है। ये आपका यहाँ पर प्यूरीफिकेशन में फायर में आपका है। फिर उसके जस्ट बाद आप दोस्तों यहां से कोल गैस को इसमें ले लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहां पर कोल गैस यहां पर आ गया इसी सिलेंडर में क्या करते हैं, और दोस्तों यहां पर वाटर में इसको निकालते हैं, और जैसे देख रहे हैं आपका यहां पर कोल गैस
उपस्थित है। ठीक है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपको पेपर्स में ये आता है तो आपको यहाँ फिगर आप जरूर बनाइएगा। वहाँ दोस्तों आपको लिखना है पहले आपको कैसे बना है, जैसे कि हमने बताया पहले प्रोसेस क्या है लिखेंगे, फिर उसके जस्ट बाद आपको फिगर बनाना है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कोयला को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाएगा तो वो कोक प्लस कोल गैस देगा। ध्यान दीजिएगा, कोक प्लस कोल गैस देगा। ठीक है, कोयला को जलाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, कोल गैस जो होती है रंगहीन, विशेष गंधहीन, गंध वाली, और आपका दोस्तों रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता, इसमें कोई बहुत विशेष गंध कोई होती है, विशेष गंध वाली होती है, पानी में कम घुलने वाली होती है। ध्यान दीजिए, पानी में कम घुलने वाली होती है, वायु के साथ या विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है, वायु के साथ मतलब ये विस्फोटक करती है, विस्फोटक मिश्रण बनाती है, और इसका जो कैलोरी मान होता है वो 4900 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, मतलब 1 किलोग्राम में 4900 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपका 4900 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ऊर्जा होती है। तो ये कैसी गैस है दोस्तों, रंगहीन है, विशेष गंध वाली है, पानी में कम घुलनशील है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, और ये 4900 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ऊर्जा इसके पास होती है। ठीक है, ये आपको हमने फिगर दोस्तों कर दिया। अगर आपको यहाँ पर फिगर नहीं समझ में आया तो आप बुक से भी देखकर फिगर्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि फिगर्स बहुत माने रखता है अगर वहाँ आप बनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके अगर यूज की बात करें तो इसका यूज क्या है, तो दोस्तों इसका यूज यह है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों, धातुकर्म अर्थात मेटलर्जी में अपचायक वातावरण रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने में आपका कोल गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने में मेटलर्जी अर्थात धातुकर्म में। सेकंड दोस्तों, आपका कस्बों तथा शहरों में इल्यूमिनेंट के रूप में, प्रदीपक के रूप में इसी किसी का कोल गैस का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, कस्बों तथा शहरों में जो प्रदीपक यूज किए जाते हैं, एल्यूमिनेंट यूज किए जाते हैं, वो कोल गैस के ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों है प्रोड्यूसर गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO तथा N2 का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है दोस्तों, CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपके 34.7% होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपका N2 होता है दोस्तों 65.3%, कितना दोस्तों 65.3% होता है आपका N2, और अदर होता है आपका CH4 या CO2, ये 2 से 2.5 से 5%, मतलब 2.5 से 5%। ठीक है, 2.5 से 5% आपका होता है दोस्तों उसमें CH4 और आपका CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 34.7%, N2 होता है आपका 65.3%। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मुख्य रूप से इसका निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। इतना तो आपको याद होना चाहिए, किसका क्या संगठन है, कितने परसेंट कौज है, कैसी इसकी विधि है, ये आपको पता होना चाहिए। निर्माण की बात करें, निर्माण प्रोसीजर की बात करें दोस्तों कैसे बन रहा है, तो प्रोसीजर में आपका होगा, प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ दिया है कि प्रोसीजर में आपका प्रोड्यूसर गैस बनाने का संयंत्र लोहे के चादरों की बनी एक भट्टी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है दोस्तों, एक लोहे की चादर की बनी पट्टी है, देख लीजिए। पहले आपको बता देते हैं ये कहता क्या है, इस प्रोड्यूसर गैस बनाने का संयंत्र लोहे की चादर की बनी एक भट्टी होती है, इसमें अंदर की तरफ अग्निशाह ईंटों का अस्तर लगा होता है, भट्टी के बीच में हॉपर की सहायता से, देख लीजिए ये हॉपर है आपका, भट्टी के बीच में हॉपर की सहायता से कोक डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कोक को डालते हैं, कोक का तापमान कितना, लगभग 1100 सेंटीग्रेड रखते हैं, कितना दोस्तों, लगभग 1100 सेंटीग्रेड रखते हैं, और कोक पर नीचे से गर्म वायु प्रवाहित करते हैं और भट्टी के ऊपर भाग में प्रोड्यूसर गैस निकलती है। अब देखिए ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, भट्टी है, यहाँ अग्निशाह ईट, रेड हॉट कोक, ठीक है, यहाँ पर आपके कोयले भरे हुए हैं, तो ये आपका अग्निशाह भट्टी है, इसमें जब जलाया जाता है, और ये आपका हॉपर की सहायता से इसमें क्या, कोक को डाला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका ये एयर वैल्यू रखा गया है, इससे आपका कोई, हम आपको ये बता रहे वाले हैं कि आपका ये क्या है, एक भट्टी है, इसमें ऊपर से ये हॉपर लगा, इसमें क्या ऊपर से डाला जाता है कोयला, ये आपका रेड हॉट कोक अर्थात कोयला है, इसको हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम 1100 सेंटीग्रेड तक रखते हैं, हीट करते हैं, जब इसको हम 1100 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस बनाने की संयंत्र चादरों की बनी एक भट्टी होती है, क्या दोस्तों, लोहे की एक चादरों की भट्टी होती है, इसमें अंदर की
तरफ जो अंदर की तरफ आपकी परत होती है, लेयर होती है, इसमें क्या होता है, अस्तर जो होता है उसमें अग्निशा ईंटों अर्थात अग्निशा ईंटों का लगा होता है। भट्टी के बीच में हॉपर, हॉपर आपका ये हुआ कि सहायता से क्या डालते हैं, कोक डालते हैं, और कोक का टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 1100 सेंटीग्रेड रखते हैं। ठीक है, कोक पर नीचे से गर्म वायु प्रवाहित करने पर भट्टी के ऊपरी भाग से प्रोड्यूसर गैस निकलती है। तो प्रोड्यूसर गैस आपकी कहां से निकल रही है, ये है दोस्तों गैस का निकास मार्ग, प्रोड्यूसर गैस। तो आपका यहीं से दोस्तों यहां पर क्या होता है, कोयले को 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, ये आपका कोक स्पीस है, हॉपर की सहायता से डाला जाता है। तो इससे जो गैस बनती है ये इसका आप जैसा देख रहे हैं, यहां पर इस नली के द्वारा आपका बाहर गैस निकलती है, यही होती है आपकी प्रोड्यूसर गैस। इसके दोस्तों अगर हम बात करें, इसकी बात करें अगर दोस्तों यहाँ रासायनिक की, तो आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो आपका -94, आपको इस पॉइंट को अगर आप नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम इसका याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या एक विषैली तथा जल में अविलीय गैस होती है, मेन इंपॉर्टेंट यह एक विषैली गैस होती है, और दूसरा पॉइंट होता है ये जल में अविलीय होती है अर्थात ये जल में नहीं घुलती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का जो कैलोरी मान होता है अन्य गैसी की तुलना में सबसे कम होता है, ध्यान दीजिए इसका, इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो सबसे कम होती है, इसका कैलोरी मान जो होता है वो सबसे कम होता है प्रोड्यूसर गैस का। ठीक है, अन्य गैसों की ईंधनों की तुलना में सबसे कम होता है आपके प्रोड्यूसर गैस का कैलोरी मान, और यह एक विषैली गैस है और जल में अविलेय है। अगर आप इतनी प्रॉपर्टी ऐसे ही आप लिखेंगे वहां पर, अगर आपको ये पेपर्स में आता है, ठीक है, संभावना तो है दोस्तों जो हम बता रहे हैं आपको, ये आपको केमिस्ट्री के जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं ये सब दोस्तों आने की इसकी संभावना है, इसीलिए ये पेपर्स में बार बार आ रहे हैं, इसलिए इन सब टॉपिक को आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि इसका आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, मतलब गुण लिखें, उसके बाद यूज लिखें। तो इसके पहले दोस्तों आपको संगठन हमने बताया कि उसको लिखे कैसी प्रक्रिया, प्रोड्यूसर कैसी प्रक्रिया कैसी हुई है, उसका संगठन लिखे कितने क्या परसेंट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सब आपको सब डिटेल में लिखना चाहिए। ठीक है, ये आपको उपयोग क्या होगा, धातुकर्म, अब उपयोग क्या है इसका, यह धातुकर्म अर्थात मेटलर्जी उपक्रमों में अपचायक के रूप में, इसको भी दोस्तों जैसा कि हमने बताया कोल गैस का यूज मेटलर्जी में अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक इसी प्रकार इसका भी मेटलर्जी अर्थात धातुकर्म प्रक्रमों में रिड्यूसिंग अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह स्टील तथा कांच के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट मॉर्टिन खुली भट्टी, एक होता है दोस्तों एक मेथड होता है ओपन हर्ट फर्नेस जो होता है आपका, ये इसमें भी इसका यूज किया जाता है आपके प्रोड्यूसर गैस का। तो यह स्टील तथा कांच के निर्माण में एक विधि होती है, उसमें क्या ओपन हर्ट आपकी फर्नेस होती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रोड्यूसर गैस और कोल गैस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक आप दोस्तों इस टॉपिक को नहीं तैयार किए तो आप इस टॉपिक्स को तैयार करें, और इसके पहले भी दोस्तों मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड किया है, आप दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं, या दोस्तों आप चैनल के दोस्तों प्लेलिस्ट पर तो देख ही सकते हैं, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सीधे दोस्तों वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक पेज से लिंक हो जाएंगे, आप वहां फेसबुक पेज जो आपको हम लिंक बना दिया करंट स्टडी का, वहां पे आप लिंक हो जाएंगे तो सभी वीडियो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। या दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको करंट और स्टडी सर्च करना है, आप ज्वाइन हो जाएंगे। करंट और स्टडी के भी ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम पर बिल्कुल स्पेस नहीं रखना है, आपको करंट और स्टडी को एक साथ लिखना है, तो आपको जो आएगा दोस्तों ठीक उसी प्रकार जैसा हमारा यूट्यूब पर लोगो है चैनल का, ठीक उसी प्रकार वहां पर मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करिए, और दोस्तों सभी वीडियो का दोस्तों आप सभी वीडियो मतलब आप प्राप्त करिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट को जो बताएं। दोस्तों मॉर्निंग में डेली 7 से 8 आपको मिलेगा मैथ्स के, और शाम को 6 से 7 आप केमिस्ट्री, और आने वाले समय में दोस्तों जल्दी आप बिल्कुल धैर्य रखें, आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।